हौसला अफजाई में जुटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूक्रेन के कीव और खारकीव में फंसे हुए स्टूडेंट से वीडियो कॉल पर मुख्यमंत्री ने बात करी है। मेडिकल छात्रा डॉक्टर श्रद्धा ने वहां की विकट परिस्थितियों के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी बच्चों की हौसला अफजाई यहां पर करी है, सकुशल अपने वतन वापसी की उम्मीद यहां पर जताई है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात करी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैची कॉमोडोर संदीप देशमुख से फोन पर इस पूरे मसले को लेकर बातचीत करी। इन बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए भी हौसला बढ़ाया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर जो यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनसे यहां पर बातचीत करी है और साथ ही हौसला अफजाई उनकी करी कि किसी भी तरह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सभी को सकुशल जल्दी वापस बुला लिया जाएगा। तो देखिए ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने फोन से वीडियो कॉल करके यहां पर बातचीत करी है। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर स्टूडेंट से बात करी, हौसला अफजाई यहाँ पर करी है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनमें भी इस बात को लेकर थोड़ी राहत दिखाई दी होगी। देखिए बड़ी चीज ये है क्योंकि जिस तरह से युद्ध का माहौल है और वहाँ पे कई भी जो राजस्थानी बच्चे फंसे हुए हैं तो उनकी हौसला अफजाई करना इस संकट घड़ी में बड़ा काम है। और कल भी से आप लगातार देख रहे हैं कि कल दिल्ली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तब भी उन्होंने कुछ स्टूडेंट से बात की थी और देर रात जयपुर आने के बाद अपने आवास पे भी उन्होंने जो वीडियो कॉल के द्वारा वहां फंसे स्टूडेंट से बात की थी। जब तो मुख्यमंत्री जब बात कर रहे थे प्रीति, तब करीब 100 से अधिक स्टूडेंट थे जो उनसे वीडियो कॉल से जुड़े हुए थे। कईयों से मुख्यमंत्री ने बात की, जो राजस्थान की जो बच्ची है उनसे भी बात की है। तो लगातार मुख्यमंत्री उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं, साथ में जो वहाँ पे जो भारतीय दूतावास की जो अधिकारी है उनसे भी बात कर रहे हैं और जो बच्चियों ने जो प्रॉब्लम बताई है उनसे उनको अवगत कराया है। और साथ में जो भारतीय दूतावास के अधिकारी जो लगातार काम कर रहे हैं इस संकट की घड़ी में भी, उनको भी उसके लिए बधाई दी, शुभकामनाएं दी और साथ में कहा है कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है और किसी भी तरह की जो मदद है उसके लिए पूरी तरह तैयार है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उन बच्चों को यहाँ तक लाया जाए। तो बड़ी चीज जो है वो ये है कि अगर सूबे का मुखिया इस बात को लेकर चिंतित है, वो लगातार जो है वो वीडियो कॉल के माध्यम से जो है वो इसलिए वहां पे बात कर रहे हैं ताकि उन बच्चों का चेहरा देख के, उनका हाव भाव देख के उनकी परेशानी को समझ सके। और साथ में जब मुख्यमंत्री बोलते हैं तो बच्चों का हौसला अफजाई होता है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री हौसला बढ़ाते हैं तो जो संकट में बच्चे हैं उनको लगता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और जल्द ही उनको वहां से भारत लाने की व्यवस्था कर ली जाएगी। बिल्कुल नरेश, इसके साथ ही कह सकते हैं सीएम ने भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैची कॉमोडोर संदीप देशमुख से भी यहाँ पर बातचीत करी है, जो स्थितियां वहां पर बनी हुई है उनके बारे में भी जानकारी ली। बिल्कुल, देखिए देशमुख से जो बात की है वो इसलिए की कि एक तो जो बच्चों ने जो प्रॉब्लम बताई थी वो उनको ब्रीफ कर दिया जाए क्योंकि वो ही वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो जो बच्चों की समस्या थी वहाँ पे वो देशमुख को बताई और साथ में देशमुख को इस बात के लिए बधाई भी दी, साथ में अन्य अधिकारियों को बधाई दी कि उन्होंने वहां से बच्चों को भारत लाने के लिए जो, क्योंकि देखिए युद्ध के माहौल में काम करना ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने देशमुख की भी हौसला अफजाई की और साथ में उन्होंने जो बच्चों की समस्याएं जो आ रही है लगातार उनसे भी उनको ब्रीफ किया और साथ में कहा है देशमुख ने भी कि जो भी जो हर बेस्ट से बेस्ट जो हो सकता है वो यहाँ पे किया जा रहा है और किसी भी तरह से बच्चों को यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि कुछ समस्याएं जो है वो बॉर्डर पे आ रही है तो उनको किस तरह से जल्द दूर किया जाए। और साथ में जब तक बच्चे फंसे हुए हैं कई जो बिल्डिंग के जो बेसमेंट में है इस तरह से जो बच्चे फंसे हुए हैं उन तक जो कुछ जो सुविधाएं हैं वो भी कैसे पहुंचाई जाए, इन सब बातों के लिए
लंबी चर्चा की गई। बिल्कुल नरेश, और जो स्टूडेंट्स वहां पर कह सकते हैं फंसे हुए हैं, उन स्टूडेंट्स को भी बात करके मुख्यमंत्री के साथ काफी अच्छा लगा होगा कि एक और हमारे फैमिली मेंबर्स जहां परेशान हो रहे हैं वो हमसे दिन रात बात कर रहे हैं। तो इसी बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया ने खुद हमसे यहाँ पर बातचीत करी है, तो वाकई उनका हौसला अफजाई होता हुआ दिखाई दिया। देखिए बड़ी बात होती है प्रीति, जब मुख्यमंत्री खुद बात करते हैं, एक तो होता है अधिकारियों से बात कराना या किसी विधायक से मंत्री से बात कराना, लेकिन सूबे के मुखिया खुद जब रात भर जगकर वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात करते हैं, इसका मतलब समझा जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री कितना चिंतित है उन बच्चों की सकुशल वापसी के लिए। वो क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, युद्ध के बीच फंसे हुए हैं, ऐसे में उन बच्चों का हौसला अफजाई करना, उनको भरोसा दिलाना, ये बड़ा काम होता है। और जो मुख्यमंत्री ने इससे पहले, आपको ध्यान होगा जैसे मैंने बताया, कल भी दिन में भी बात की थी फोन के माध्यम से, लेकिन शाम को उन्होंने जो बच्चे वहाँ पे इकट्ठा है। ठीक है नरेश, हमारे साथ बात